एक लड़की से छेड़छाड़ के आरोप में सोशल मीडिया पर अचानक बदनाम हुए सर्वजीत सिंह को आखिरकार 4 साल बाद इंसाफ मिल गया। सर्वजीत को अदालत ने सभी आरोपों से बरी कर दिया है। जस्टिस MM सोनम गुप्ता ने मामले की सुनवाई के बाद फैसला सुनाते हुए कहा कि शिकायतकर्ता की गवाही भरोसेमंद नहीं है और अभियोजन पक्ष के मामले पर संदेह है। संदेह का लाभ आरोपी को दिया जाता है। सर्वजीत सिंह को सभी आरोपों से बरी किया जाता है। आपको बता दें कि साल 2015 में नई दिल्ली के सेंट स्टेफेंस कॉलेज की छात्रा जसलीन ने सर्वजीत की तस्वीर के साथ एक फेसबुक पोस्ट लिखकर आरोप लगाया था कि उसके साथ पश्चिमी दिल्ली के तिलक नगर की सड़कों पर दुर्व्यवहार और उत्पीड़न किया गया था। पोस्ट में जसलीन ने लिखा था, इस आदमी ने रात के तकरीबन 8 बजे तिलक नगर के अग्रवाल स्वीट्स के पास मुझ पर भद्दे कमेंट्स किए, जिसके बाद सर्वजीत पर सोशल मीडिया से लेकर मीडिया ने भी दिल्ली का दरिंदा आवारा जैसे शब्दों से हमला बोल दिया था। जसलीन के पोस्ट पर संज्ञान लेते हुए दिल्ली पुलिस ने सर्वजीत के खिलाफ मामला दर्ज किया और उसे गिरफ्तार किया था। शिकायतकर्ता कौर इस मामले में कई सुनवाई में शामिल नहीं हुई और घटना के तुरंत बाद अपनी पढ़ाई के लिए कनाडा चली गई। हालांकि पिछले साल दिसंबर में उसने अपना बयान अदालत में दर्ज कराया था। ताजा अपडेट्स के लिए नेशनल 18 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।